नमस्ते फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि मनी प्लांट की क्या कैसे बारिशों में करें और कैसे उसको हम घर बनाएं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट तो ये है कि मनी प्लांट को आप हमेशा जो है 8 इंच से कम कंटेनर में लगाएं। जैसे कि जितना आपका छोटा कंटेनर होगा उतने अच्छे से चलता है। जैसे कि आप ये देखिए, ये मेरा हैंगिंग वाला है प्लांटर, तो इसमें मैंने ऐसे इसको बना रखा है। और ये जो है प्लांट्स जो है मैंने कटिंग के थ्रू, अभी हाल ही में मेरा एक शॉट गया था, उसी को मैंने इसको रिपोर्ट किया था। और सेकंड ये है, इसकी मिट्टी आप बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन बनाएं। और थर्ड ये है कि इसमें मॉस स्टिक का यूज़ आप ज़रूर करें। जो भी मॉस स्टिक में आप जो नारियल वाली आती है वो नहीं, जो ग्रीन वाली आती है जिसके अंदर लगे होते हैं, वो वाली यूज़ करें। उससे आपको प्लांट्स बहुत अच्छे से चलता है। या इस तरीके से आप बना लें, ये जो जूट वाली जो रस्सियाँ आती हैं मोटी। और थर्ड ये है कि जब आपका प्लांट्स बहुत ज़्यादा अगर बारिश में रखा है तो उसको जो है बालकनी साइड में रखें। जैसे कि मैंने ये जो है हमेशा बालकनी साइड में रखा है, और धीरे धीरे इसमें यहाँ से पानी इसमें आता रहता है इसकी पत्तियों को, मतलब। और अगर आपने टेरेस पे रखा है तो उसको शेड, मतलब थोड़ा शेड में रखें। और फोर्थ ये है कि इसकी जो पत्तियाँ हैं, अगर इस तरीके से आपकी पीली हुई हैं तो इसको रिमूव तुरंत करें, हटाएं। और ये तो जैसे वास्तु की दृष्टि से भी बहुत अच्छा माना जाता है ये प्लांट, तो इसको तो हर कोई लगाना चाहता है और बहुत ईजली ग्रोइंग प्लांट है। अगर आप इसको बॉटल्स में इस वक्त बारिश के पानी में भर के रख देते हो ना, तो बहुत अच्छे से चलेगा। और उसको फिर आप लगाओ मिट्टी में, तो बहुत अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ होगी और बहुत अच्छे से चलेगा। जैसे कि मैंने इस प्लांट में ऐसे करके लगाया हुआ है। और फ्रेंड्स, इस समय जो आप फर्टिलाइज़र दो ना, जब भी दो, जैसे कि अभी देखिए मिट्टी, इसकी मिट्टी बहुत सख्त है क्योंकि शेड में रखा है, तो इसमें इतना बारिश का पानी नहीं पड़ता है। तो जब भी आप दो ना, तो हल्की सी इसमें गुड़ाई करके, और ये जो फर्टिलाइज़र है, चाय पत्ती और हल्दी को मिक्स करके आप इसमें दे दीजिए, तो मनी प्लांट और बहुत अच्छे से आपका बुशी भी रहेगा और इसमें फंगस लगने के भी कोई चांसेस नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई कीड़े इसमें पत्ते खा रहे हैं, तो उसमें आप जो है हल्दी का स्प्रे कर दीजिए, तो बहुत अच्छे से। जैसे कि अभी देखिए मैं इसको दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरा काफ़ी दूर पे रखा रहता है ये पॉट, इस तक बहुत मुश्किल होता है पहुँचना। काफ़ी पॉट्स इसमें साइड मैंने ऐसे रखे हैं। और ये देखिए, मैं इसको भी ऐसे करके दे दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखें तो आपका मनी प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और इसकी जितनी भी पत्तियाँ ख़राब थी, आप उसको तुरंत रिमूव करें। और इस तरीके से आप अपने मनी प्लांट को जंगल जैसा घना भरा बना सकते हैं। बस तो थोड़ी सी अच्छे से केयर करिए, बहुत अच्छे से आपका मनी प्लांट नेक्स्ट सीजन के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस टाइम तो बारिश के पानी से मनी प्लांट वैसे ही बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से खिले खिले रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड हैप्पी गार्डनिंग।